वेलकम बैक स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडेस पीरियड इज इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर नंबर 4। लास्ट 3-4 डेज से हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले इसके साइड पहले लेसन किया, फिर एक्सप्लेन किया, समझा, स्टोरी को ख्याल में किया, फिर उसके बाद साइड वर्ड्स देखे, हार्ड वर्ड्स देखे, क्वेश्चन आंसर देखे। अभी इसका आगे का ग्रामेटिकल लेट्स बिल्ड वर्ड्स ये वाला देखते हैं। इसमें अपोजिट वर्ड है, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसीलिए आपको इसके आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप लोग देखिए, इसका आंसर की भी दिया गया है, साथ में आपको सही से इस वर्ड्स को एक्सप्लेन भी किया गया। अपोजिट वर्ड है, एक से दूसरा अपोजिट वर्ड को आपको लर्न करना है, लिखना है फेयर नोट में। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट द वर्ड्स ऑफ पेयर यूजिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स आपको दिया गया है। यहाँ पर इनको पेयर करना है, वेट, ड्रिंक, राइट और टाइडी, तो नीट एंड टाइडी, फूड एंड ड्रिंक, रीड एंड राइट, कोल्ड एंड वेट, इसका पेयर बन गया। आपको मालूम है ये वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, नीट एंड टाइडी, फूड एंड ड्रिंक, रीड एंड राइट एंड कोल्ड एंड वेट। अभी देखिए सेकेंड वाला एंटोनिम्स, राइट द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अभी देखिए, ही वॉज शॉर्ट एंड फैट बॉय, तो शॉर्ट का अपोजिट वर्ड क्या होगा, टॉल, और फैट का अपोजिट होगा थिन, फैट का अपोजिट होगा थिन। ही वॉज रिच एंड प्राउड किंग, तो रिच का अपोजिट होगा पुअर, और प्राउड का अपोजिट होगा हम्बल। फिर अमन इज काइंड ऑफ ऑनेस्ट, तो काइंड का अपोजिट होगा क्रूएल, और ऑनेस्ट का अपोजिट होगा डिसऑनेस्ट। फिर द ड्रेस इज न्यू एंड प्रीटी, तो न्यू का अपोजिट है ओल्ड, और प्रीटी का अपोजिट है अगली। द सम इज शॉर्ट और इजी, तो शॉर्ट का आंसर है लॉन्ग, एंड इजी का अपोजिट है डिफ़िकल्ट। तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है, सबके अपोजिट बताने थे वर्ड्स, उसका आंसर भी देखेंगे हम, ये एक्सरसाइज है। फिर यहाँ पर देखिए, राइट द अपोजिट ऑफ दिस वर्ड, देखिए पुअर, POOR, पुअर, पुअर का RICH, रिच, पुअर यानी गरीब, रिच यानी हम, रिच यानी संपन्न, धनवान, EXPENSIVE, एक्सपेंसिव यानी महंगा, एक्सपेंसिव मीन्स महंगा, CHEAP, चिप, चिप यानी सस्ता, अनहैप्पी, UNHAPPY, अनहैप्पी, अनहैप्पी यानी दुखी, HAPPY, हैप्पी, हैप्पी यानी खुश, RARGE, लार्ज, लार्ज यानी बड़ा, लार्ज यानी बड़ा, SMALL, स्मॉल, स्मॉल यानी छोटा, WARM, वार्म, वार्म यानी गर्म, COLD, कोल्ड, कोल्ड यानी ठंडा, EMPTY, इम्पटी, इम्पटी यानी खाली, FULL, फुल, फुल यानी भरा हुआ, NARROW, नैरो, नैरो यानी सकरा, WIDE, वाइड यानी चौड़ा, BORD, बोर्ड यानी चौड़ा, बड़ा सा। आपको ये आगे वाली एक्सरसाइज हमने कराई, सेम चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 4 मिस्टर टर्न अबाउट। तो इसमें आपको पेयर ऑफ वर्ड बनाने हैं, फिर आपको अब सेंटेंस में दिए गए वर्ड का अपोजिट लिखना है। आपने पहले ये वाला किया, फिर नेक्स्ट हमने ये वाला किया, राइट द अपोजिट वन अंडरलाइन वन इज बी डन फॉर यू, ही वॉज शॉर्ट, फैट बॉय, टॉल, थिन, और इसके बाद हमने ये वाला अपोजिट वर्ड किया। तो इसको आपको देखना है और करना है और लर्न करना है, लिखना है इन फेयर नोटबुक। थैंक यू। ये आंसर है यहाँ पर, कंप्लीट द वर्ड पेयर यूजिंग ऑफ द बॉक्स। फिर सेकेंड का आंसर है, थर्ड का आंसर है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर।